हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड हेल्प सेंटर, अ ब्रिज बिटवीन यू एंड बॉलीवुड। आज हम बात करेंगे मिर्जापुर 2, जो कि काफ़ी चर्चित है, एक वेब सीरीज है, काफ़ी चर्चित है, क्योंकि सीजन 1 जब 2018 में आई थी तो काफ़ी धमाल मचाया था। लेकिन इस बार जो 23 अक्टूबर को अमेजन प्राइम पे सीजन 2 रिलीज हो गया है और काफ़ी लोगों ने इसे देखा भी है, और लोगों का जो रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो सीजन 2 को एक के बदले लोग बहुत ही कम मार्क दे रहे हैं। और कहें यूँ कहें तो लोगों को जो आशाएं थी, जो उम्मीद था सीजन 2 से, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता नज़र आ रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सीजन 2 में आखिर ऐसा क्या है, क्यों लोगों को ये पसंद नहीं आ रही है, जबकि सीजन 1 पूरी तरह लोगों को अपने गिरफ्त में ले चुका था। हालांकि इस सीजन 2 को भी काफ़ी लोग देख रहे हैं। ये अगर आपने भी देखा होगा तो कमेंट कीजिए कैसी लगी, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, और देखने के बाद आप कमेंट कीजिए कि आपको सीजन 1 और सीजन 2 में क्या बेसिक फ़र्क नज़र आया। अगर ओवरऑल हम सीजन 2 की अगर बात करें तो जितने भी इसके कैरेक्टर्स हैं वो सब इस तरह से स्क्रिप्टिंग किया गया है कि आपको लगेगा कि एक कहानी बहुत देर से शुरू हो रही है और बहुत जल्द आपको ख़त्म हो जाएगा। ये टोटली फिल्मी अंदाज में ख़त्म हो जाता है। 10 एपिसोड का ये सीरीज सीजन 2 और लगभग 8 घंटे, माय गॉड, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देखो। एक बात है, अगर आपने सीजन 1 अगर बारीकी से देखा है तो आप सीजन 2 पूरा देखने के बजाय अगर आप एपिसोड 9 और 10 अगर आप देख लोगे तो आपको ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे, अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ सीजन 2 के बारे में। 2018 में मिर्जापुर जहाँ दिख रहा था, आज भी सीजन 2 में भी वहीं खड़ा दिख रहा है। अपराध, खून खराबा, राजनीति, गालियाँ और सेक्स मुख्य किरदारों की कहानियों में यहाँ कोई भी ऐसा रोचक मोड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको चौंका पाए। लगभग सभी पुराने सफर पे निकलते हैं। जितने भी इसके सीजन 1 के जो कलाकार थे वो सब अपने अपने मंजिल की तलाश में निकलते हैं, और उन्हें इस तरह से स्क्रिप्टिंग किया गया है कि उनकी मंजिल क्या होगी आपको पहले ही पता ऑलमोस्ट चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पर बाहुबली अखंडानंद उर्फ कालीन भैया का शासन अब भी है, और पहली बीवी से हुए बेटे मुन्ना भैया जो दिव्येंदु शर्मा को उनको कुर्सी चाहिए। उधर कालीन भैया के तैयार किए गुर्गे गुड्डू पंडित अली फजल और पुलिस अधिकारी गुप्ता की बेटी गोलू श्वेता त्रिपाठी शर्मा क्रमशः अपने भाई और बहन की पिछली सीरीज में की गई हत्या का बदला लेने के मिशन से इस सीरीज में घूम रहे आपको दिखाई देंगे। अमेजन प्राइम पर मिर्जापुर सीजन 2 का इंतजार लंबे समय से था, मगर ये सीजन मिर्जापुर की मुख्य कहानी के दाएं बाएं जोड़े गए कई सब प्लॉट से भरा हुआ आपको दिखाई देगा। खासतौर पर यूपी के मुख्यमंत्री सूर्य प्रताप यादव, उसके भाई जेपी यादव और विधवा बेटी माधुरी यादव त्रिपाठी का प्रसंग हो, या यूपी से बिहार के सिवान पहुंची कहानी में अद्धा डॉन दद्दा लिलीपुट और उनके जुड़वा बेटों भरत शत्रुघ्न विजय वर्मा का ड्रामा बेहद लंबे हैं। इसी तरह पिछली बार मारे गए कालीन भैया के प्रतिद्वंदी जौनपुर के गैंगस्टर शुक्ला के बेटे शरद को भी यहाँ एंट्री मिली है, जो कहानी में कुछ नया ज़रूर जोड़ता है। लेकिन अपराध जगत के इस कथानक में पुलिस सबसे पीछे और नाकाबिल आपको दिखाई देंगे। मिर्जापुर 2 छोटी छोटी कहानियों को जोड़ के कहानी को तैयार किया हुआ आपको दिखाई देगा। परिणाम ये होता है कि आप जब देखेंगे तो आपको ये कहानी पूरी तरह बिखरी हुई नज़र आएंगी। पत्नी बबीता रसिका दुग्गल के लिए पहले ही सीजन में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुके कालीन भैया को यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। गर्भवती बीना के मायके जाने और गुड्डू गोलू की भेदिया बनने से लंका में विभीषण कांड भी यहाँ तैयार किया जाता है। कहानी के इस हिस्से में थोड़ी देर को ही सही कुलभूषण खरवंदा प्रभाव जरूर पैदा करते हैं। सीजन 2 में पिछली बार से अधिक साफ है कि त्रिपाठी परिवार बहुत खोखला है और कभी भी बिखर सकता है। मुन्ना और कालीन भैया के संबंधों का पुराना टेप ही बजा है। मुन्ना और कालीन भैया के संबंध एज इट इज आपको दिखाई देंगे। कालीन भैया मुन्ना को काबिल बनते देखना चाहते हैं और मुन्ना भैया गद्दी की रट लगाए हैं। इस सीजन में 10 एपिसोड है जिनमें शुरुआती 2 धीमी और उबाऊ गति से आपको देखने को मिलेंगे, और तीसरी से थोड़ी बहुत कहानी आपको समझ में आएंगी और अच्छी लगने लगेंगी, और फिर यहाँ वहाँ बिखरते हुए कुछ रफ्तार पकड़ती है, मगर अंतिम 2 एपिसोड में फिर ध्वस्त हो जाती है। निर्देशक
जोड़ी गुरमीत सिंह और मिहिर देसाई ने जितनी कलात्मकता और नएपन से मिर्जापुर को पहले सीजन में रचा था, वे दूसरे सीजन में गायब है। यहाँ ज़्यादातर यही महसूस होता है कि पहले सीजन की सफलता को भुनाने की मात्र कोशिश ही की गई है। कहानी में इस सीजन टू में इंट्रोड्यूस किए गए नए किरदार प्रभाव पैदा करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे, वही पुराने घिसे हुए मालूम पड़ते हैं। इसकी वजह है कि मिर्जापुर 2 की कहानी में कालीन भैया के डर से ज़्यादा बिजनेस और पॉलिटिक्स का असर है, जबकि इन दोनों मामलों में कालीन भैया लगातार पिछड़ते जाते हैं। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि उनसे बदला लेने को आतुर गुड्डू गोलू कोई सहमत का खेल खेल रहा है, उनकी यहाँ अलग सुरक्षित है और बिना किसी जोखिम वाली दुनिया है। मिर्जापुर के संवाद भले ही कहे कि यह जंगल है, परंतु जंगल की भयावहता और खूंखार जानवरों का डर इस सीजन में आपको टोटली गायब नज़र आएगा। मिर्जापुर 2 का ही एक संवाद है कि आदमी का डरना ज़रूरी है, मरना नहीं। लेखक और निर्देशक ने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा है, क्योंकि इस बार किरदार डरते कम है, मरते ज़्यादा है। उस पर गुड्डू शबनम, रॉबिन डिम्पी और कमज़ोर प्रेम कहानियाँ कोई रोमांच भी पैदा नहीं कर पाती है। सीजन 1 के मुकाबले मिर्जापुर 2 में जो किरदार सबसे कमज़ोर आपको दिखेगा वो है गोलू। गोलू बनी श्वेता त्रिपाठी के हिस्से में यहाँ बेकार बदहवासी आई है। यहाँ उनके कैरेक्टर का कोई ग्राफ ही नहीं दिखता है, ना वो गुड्डू से प्रेम कर पाती है और ना ही अपनी बहन तथा प्रेमी की हत्या के बदले की आग में जलती आपको दिखाई देंगी। वे पूरे समय गुड्डू पंडित के आगे दबी सहमी रहती है, हाथों में गन होने से उन व्यक्तित्व का वजन नहीं बढ़ जाता। लगभग यही रस्सी का दुग्गल के साथ भी हुआ है, उनका शुरुआती प्रभाव कहानी बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है। ये ज़रूर है कि उनके किरदार के बदलते रंग के कारण उनमें दिलचस्पी बनी रहती है। पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा ने अपने किरदारों को पूरी ऊर्जा के साथ निभाया है, वहीं उनकी वजह से ये मिर्जापुर 2 में थोड़ा दमखम आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बॉलीवुड से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स और करियर रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल बॉलीवुड हेल्प सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कॉमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर आपके लिए करने के लिए। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद।